सबको मेरा नमस्कार। आर्य कॉलेज पानीपत से डॉक्टर संतोष टिक्कू सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बैचलर और वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम में व्यवसाय के मौक़ों के बारे में है। जिस समय स्टूडेंट्स अपने कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं तो उस समय उनके सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत से सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जिसके कारण वे कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन उनको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें आर्टिस्टिक टैलेंट है तो वे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ संबंधित है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन जो है वो स्वरूप या सजावट बनाने के लिए बनाई गई लाइनों या आकृतियों की एक व्यवस्था होती है। डिज़ाइन एक निश्चित वस्तु को दिया गया दृष्टिगत रूप या विजुअल लुक होती है अथवा दी गई आकृति होती है ताकि उसको हम और अधिक अट्रैक्टिव बना सकें। अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो रीडर को कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को समझने के लिए सहायता प्रदान करता है। इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो आर्ट और प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द इंटीरियर ऑफ ए रूम और बिल्डिंग, किसी भी रूम और बिल्डिंग की इंटीरियर को डिज़ाइन करने की एक कला होती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कस्टमर्स को ऐसा वातावरण प्रोवाइड करती है जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है, उसमें स्पेस का बेटर यूज़ करती है और उसके अलावा जो कस्टमर है या यूज़र है उस स्थान का, उसको अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव कराती है। इंटीरियर डिज़ाइन किस पे फोकस करती है? सेफ एनवायरनमेंट पर, एनर्जी एफिशिएंट एनवायरनमेंट पर और प्लीजिंग एनवायरनमेंट पर फोकस करती है ताकि कस्टमर की कोई पर्टिकुलर नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। अगर हमारा घर बहुत बड़ा है या बिल्डिंग बहुत बड़ी है लेकिन उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो पुअर है तो बड़ा घर भी हमें छोटा नज़र आएगा। इसी तरह अगर हमारा घर छोटा है लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसकी अच्छी करी हुई है तो घर हमें बड़ा लगेगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बहुमुखी पेशा है जिसमें कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, स्टेक होल्डर्स के साथ उस प्रोजेक्ट के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है और उसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करता है, उसको मैनेज करता है। ये स्पेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में सहायता करता है, स्पेस की फंक्शनल यूजेस को इम्प्रूव करता है, लाइटिंग अफेक्ट, कलर अफेक्ट, टेक्सचर और पैटर्न, स्केल और साइज को इम्प्रूव करने में सहायता प्रदान करता है। डिज़ाइन और सजावट के माध्यम से ये उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है जो एक निश्चित स्थान पर रहने या आनंद लेने वाले होते हैं और इसके अलावा ये हमारे लाइफस्टाइल को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाता है। अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज और टेक्निकल नॉलेज का प्रयोग करके क्लाइंट को जैसा डिज़ाइन वो चाहते हैं, चाहे सिंपल या कम्प्लेक्स, उसी तरह का डिज़ाइन वो उपलब्ध कराता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर जो है उनकी काफ़ी स्केर्सिटी है हमारे इंडिया में और इसमें काफ़ी आशाजनक अवसर हैं और फैसिनेटिंग कैरियर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनट्रीटेड स्पेसेस को ब्यूटीफुल रूम्स, ब्यूटीफुल स्पेसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी पोटेंशियल है, डाइवर्स सेक्टर के साथ डील करती है और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स है। हर दिन इंटीरियर डिज़ाइनर नई चीज़ों को सीखता है। अगर तुम ये सोचते हो, तुम ये मानते हो कि तुम्हारे में क्रिएटिव एबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक हो, इमेजिनेटिव हो, आर्टिस्टिक अप्रोच है, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एज ए कैरियर पाथ। ये आपके क्रिएटिव स्किल्स को प्रोफेशनलाइज करेगा। आप में आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, डिटेल ओरिएंटेड का गुण होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, ड्राइंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, विजुअल सेंसिटिविटी भी आप में होनी चाहिए, कलर सेंस की भावना भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन ए गिवन बजट, जो गिवन कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली काम करने का गुण भी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, उसके अलावा जो टेक्सचर है, मटेरियल्स हैं और ट्रेंड्स के बारे में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध होते हैं? वो है डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, बी डिज़ाइन इन इंटीरियर, बी एस इन इंटीरियर डिजाइनिंग, बी एस इन इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, पीजी प्रोग्राम इन इंटीरियर डिजाइन एंड स्टाइलिंग, एम बॉक इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एम डिज़ाइन इन इंटीरियर। ग्रेजुएशन लेवल के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वो
पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। जिस स्पेशल कोर्स की हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं वो है हमारा बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसको हम BVID के नाम से जानते हैं, जो कि UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, RIPG कॉलेज पानीपत में रन हो रहा है, स्किल इंडिया के अंडर इसको लिया गया है। और इसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं, 3 साल का प्रोग्राम है, इसके 6 सेम्स है, मॉड्यूलर प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, हर साल में एग्जिट ऑप्शन है। और फर्स्ट ईयर में लर्नर को डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर में उसको BVO की डिग्री मिलेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एम्प्लॉयबल स्किल देता है हर साल के एंड में। और उसके अलावा ये टेक्निकल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स जो बच्चे की होती है उसको प्रॉपरली ब्लेंड, उसका मिश्रण प्रदान करता है। लर्नर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि वो अपने स्ट्रेंथ्स और अपने कैरियर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर सके, इंडिविजुअल कैपेसिटीज को डेवलप करता है, उनको कॉम्पिटेंट, सेल्फ रिलायंट, क्रिएटिव और प्रोफेशनली ट्रेन पर्सन बनाता है। और जो इंडस्ट्रीज की डिमांड आजकल होती है टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए, उसको भी ये पूरी तरह से पूरा करता है, और उसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करता है। करिकुलम जो है वो फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने इसको अप्रूव करा है, इसमें डुअल सर्टिफिकेशन मिलती है बच्चे को। फर्स्ट ईयर में बच्चे का जो प्रोफाइल होता है 4th लेवल पर इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है, 5th लेवल पर सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, और सेकेंड ईयर में 6th लेवल पर सुपरवाइजर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और थर्ड ईयर में 7th लेवल पर उसको हेड इंटीरियर डिज़ाइनिंग का टाइटल मिलता है, जो कि फर्नीचिंग एंड फिटिंग स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जिनका गुड़गांव में ऑफिस है उसके द्वारा दिया जाता है। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर BVOC डिग्री जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से दी जाती है। रेजिडेंशियल, एजुकेशन और कमर्शियल साइट्स को विजिट किया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, 60% इसमें प्रैक्टिकल है, 40% थ्योरी है, इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध होते हैं। और जो सिलेबस है BVOC का BVID, उसमें है हमारा कोर कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट, दो तरह का सिलेबस है। और फर्स्ट सेम में फर्स्ट मॉड्यूल में कोर कंपोनेंट जो है इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड डिज़ाइन, डिज़ाइन ड्राइंग एंड ग्राफिक्स 1, हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, ऑन साइट लर्निंग एंड मार्केट सर्वे ऑफ बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 1, प्रोफेशनल स्किल्स 1, राइटिंग रीडिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन 1, ये जनरल कंपोनेंट है फर्स्ट सेम में। और कोर कंपोनेंट सेकंड सेम में फर्स्ट मॉड्यूल के अंडर है डिज़ाइन ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटीरियल एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेस प्लानिंग। जनरल कंपोनेंट सेकंड सेम फर्स्ट मॉड्यूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स, प्रोफेशनल स्किल्स 2, हेल्थ सेफ्टी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस एट वर्क प्लेस, राइटिंग रीडिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। कोर कंपोनेंट थर्ड सेम में सेकंड मॉड्यूल के अंडर है इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर 2, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो 1, एनवायरमेंटल कंट्रोल इन इंटीरियर्स 1, साइकोलॉजी ऑफ स्पेस एंड बिहेवियर्स हैं, ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट्स एंड इट्स एप्रिसिएशन। थर्ड सेम में जनरल कंपोनेंट सेकंड मॉड्यूल के अंडर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, जिसमें ऑटो कैड सॉफ्टवेयर बच्चों को सिखाया जाता है, प्रोफेशनल स्किल 3, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फोर्थ सेम में कोर कंपोनेंट सेकंड मॉड्यूल के अंडर इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटीरियल्स एंड फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर 3, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो 2, एनवायरमेंटल कंट्रोल इन इंटीरियर्स 2, लाइफ स्टाइल एसेसरी एंड फर्नीचर डिजाइन। जनरल कंपोनेंट फोर्थ सेम सेकंड मॉड्यूल के अंडर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स 4, ऑटो कैड सिखाया जाता है, बेसिक फोटोशॉप एंड कोरोड्रा सॉफ्टवेयर बच्चों को सिखाया जाता है, प्रोफेशनल स्किल्स 4, इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। फिफ्थ सेम में कोर कंपोनेंट है थर्ड मॉड्यूल के अंडर प्रोफेशनल प्रैक्टिस फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, फर्निशिंग्स एंड फिटिंग्स इन इंटीरियर्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल इन इंटीरियर्स 3, सर्विसेज इन इंटीरियर्स, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो 3, वर्किंग ड्राइंग्स एंड डिटेल्स। जनरल कंपोनेंट फिफ्थ सेम में थर्ड मॉड्यूल के अंडर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स 5, गूगल स्केचअप V-Ray 3D SMAX सॉफ्टवेयर इसको इसमें सिखाया जाता है, रिसर्च मेथड है, सप्लाई चेन प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट है। कोर कंपोनेंट सिक्स सेम में थर्ड मॉड्यूल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन, ग्राफिक्स एंड साइन, लैंडस्केप इन इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो 4, प्रोजेक्ट वर्क। जनरल कंपोनेंट सिक्स सेम थर्ड मॉड्यूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग एंड ग्राफिक्स 6, इसमें गूगल स्केचअप, V-Ray, 3DS, मैक्स सॉफ्टवेयर बच्चे को सिखाया जाता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट।
अगर लर्नर फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लेता है, फर्स्ट ईयर के बाद कंप्लीट कर लेता है, तो उसको डिप्लोमा मिलता है और उसमें जो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, ड्राफ्टमैन बन सकता है, असिस्टेंट स्पेस प्लानर बन सकता है, असिस्टेंट इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है। और सेकेंड ईयर में सेकेंड मॉड्यूल ख़त्म करने के बाद उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, जिसमें उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो है टेक्निकल असिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, टेक्निकल असिस्टेंट होम डेकोरेशंस, टेक्निकल असिस्टेंट कलर स्कीम्स, टेक्निकल असिस्टेंट किचन डिज़ाइन एंड बाथरूम, टेक्निकल असिस्टेंट फर्नीचर डिज़ाइन, टेक्निकल असिस्टेंट एर्गोनॉमिक्स, होम डिज़ाइनर, एक्सेसरी डिज़ाइन। और थर्ड मॉड्यूल जो थर्ड ईयर के बाद उसको जो मिलेगा वो है एडवांस, उसको बीवो की डिग्री मिलेगी। तो उसमें जो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कंप्यूटर एडिट इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर सकता है, इंटीरियर एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर सकता है, इंटीरियर एस्टीमेशन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है डेकोरेशंस का, कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, इवेंट मैनेजर बन सकता है, डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑफिस मैनेजर बन सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।